नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप की एक और हाइलाइट्स में। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मैच था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान से हार चुकी है। पाकिस्तान ने बेहतरीन जीत हासिल की है। मैं आपको कुछ मैच इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो मैच इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द हाइलाइट्स एंड मैच इन्फॉर्मेशन ऑफ द टुडेज मैच। सो मैच इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। इंडिया ने बनाए 150 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इंडिया की जो बैटिंग रही वो कुछ इस प्रकार रही। बैट्समैन केएल राहुल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग की। केएल राहुल ने 8 गेंदें खेली, जिसमें से उन्होंने 3 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 37 रही। वहीं पर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने सिर्फ 1 गेंद खेली और उनका विकेट हो गया। बात करें विराट कोहली किंग कोहली की, उन्होंने 49 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें से 5 चौके और 1 छक्का शामिल थे। वहीं पर उनकी स्ट्राइक रेट 116.33 रही। बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव ने जो है 8 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें से 1 छक्का और 1 चौका शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट जो रही 1.0। बात करें रविंद्र जडेजा की, रविंद्र जडेजा ने 13 गेंदों में 13 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट 100 रही। बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट 137 रही। बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो वो नॉट आउट रहे। उन्होंने 4 गेंदों में 5 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 125 रही। वहीं पर भुवनेश्वर कुमार थे और मोहम्मद शमी दोनों लास्ट में थे, तो मोहम्मद शमी ने 1 भी गेंद नहीं खेली और भुवनेश्वर कुमार ने 4 गेंदों में 5 रन बना के टीम का स्कोर थोड़ा बढ़ाया। वहीं पर बात करते हैं एक्स्ट्रा की, तो एक्स्ट्रा में 4 वाइड ब्लैक बाय 1 और नो बॉल 1 रही और बैन रही 12। वहीं पर टोटल रहा 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन टीम इंडिया की। बात करें फेल्स ऑफ विकेट की, तो फेल्स ऑफ विकेट में जो है टीम इंडिया का कुछ इस प्रकार रहा। फेल्स ऑफ विकेट में रोहित शर्मा का विकेट सबसे पहले हुआ जब ओवर चल रहे थे 0.4 और उनके टीम के रन है वो 23 रन थे। वहीं पर केएल राहुल की ओर बात करते हैं, केएल राहुल ने 2.1 ओवर में 6 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 31 रन जब टीम के थे और ओवर 5.4 चल रहे थे तब उनका विकेट हो गया। ऋषभ पंत का जो विकेट हुआ वो टीम के जब 84 रन थे और ओवर चल रहे थे 12.2 तब हुआ। वहीं पर रविंद्र जडेजा का विकेट हुआ जब टीम के 125 रन थे और 17.5 ओवर चल रहे थे। विराट कोहली का विकेट जब 18.4 ओवर चल रहे थे और टीम के 133 रन थे। और हार्दिक पांड्या का विकेट तब हुआ जब टीम 146 रन थे 19.3 ओवर चल रहे थे। बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहिद अफरीदी ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 3 विकेट जगा और शानदार इकोनॉमी के साथ अपना ओवर समाप्त किया। हिम्मत वासी ने 2 ओवर में 10 रन दिए। आसिफ अली ने 4 ओवर में 44 रन, जिसमें 2 शहबाज खान ने 4 ओवर में 22 रन 1 विकेट लिया। मोहम्मद हजीब ने 2 ओवर में 12 रन दिए और 1 भी विकेट नहीं लिया। वहीं पर हरीश रूफ ने 4 ओवर में 25 रन दिए और 1 विकेट झटका। मैच टीम्स की मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैच टीम्स कुछ इस प्रकार रही। मैच टीम्स में इंडिया की तरफ से खेलने आए रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। वहीं पर पाकिस्तान की जो टीम स्क्वाड है वो कुछ इस प्रकार रही। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फजल अहमद, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, आसिफ अली, शाहिद खान, वमीद वसीम, हसन अली, शाकिब अफरीद और हरीश रॉफ। मैच इंफॉर्मेशन में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग चूज की और वेन्यू रहा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एम्सफायर में। क्रिस गेफ ने मैरिस एंड्रूज, रिचर्ड लिंगवर्थ जैसे बड़े एम्पायर से मैच रेफरी रहे। डेविड बोन्स
और मैच डेट रही संडे 24 अक्टूबर 2021। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बैटिंग में दोनों ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नॉट आउट रहे, जिसमें बाबर आजम ने 52 गेंदों में 68 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों में 79 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे और बाबर आजम ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 130 रही और मोहम्मद रिजवान की 143 रही, दोनों ही नॉट आउट रहे। बात करें एक्स्ट्रास की, तो एक्स्ट्रास में टोटल बाई 4 थी, लेग बाई 1 थी, इस वजह से टोटल हुआ 5 और टोटल रहा 0 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर में 152। फेल्स ऑफ विकेट की बात करें तो कुछ भी नहीं थे फेल्स ऑफ विकेट में। वहीं पर इंडियन बॉलिंग की बात करें तो इंडियन बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 25 रन दिए और एक भी विकेट नहीं झटका। जैसे कि किसी ने ही विकेट नहीं झटका तो विकेट कुछ मैटर नहीं रखते हैं। मोहम्मद शमी ने 3.5 ओवर में 43 रन दिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 22 रन दिए, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 33 रन दिए और रविंद्र जडेजा ने जो है 4 ओवर में 28 रन दिए। ये थी कुछ मैच इन्फॉर्मेशन। अब बात करें पाकिस्तान की और इंडिया की, तो पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया है। जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो या तो बाबर या तो मोहम्मद रिजवान या तो जो है इंडिया के विराट कोहली, इन तीन में से कोई रहेंगे। बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने और विराट कोहली ने अच्छी साझेदारी निभाई थी अपनी बैटिंग के दौरान, लेकिन दूर तक बैटिंग ना जाने के कारण ऋषभ पंत और विराट कोहली की साझेदारी टूटने से पूरी टीम बिखर गई। ओपनिंग करने आए केएल राहुल और रोहित शर्मा की खराब प्रदर्शन के कारण इंडिया का मनोबल टूटा और उनकी पारी अच्छी नहीं रही। मैच की हाइलाइट्स को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।